श्री अद्वैत गदाधर श्री गदादेव गौर भगवंद श्री कृष्ण Jai 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 Jai
मदन मोहन सुंदर ललित मधव में सुभ Thank you.
आने मत दो, ये सामान ये मैं रोक रहा हूँ लेकिन आने नहीं, रोको बैठ वहीं बैठ जाओ यहाँ ना लाए। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनिकापदाकौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसहगोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य इप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासि हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमतिर रघुनाथ दास श्री जीवन कुरुत मंद मतिर दयान्वरा। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं। जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे
कैसे श्री कृष्णा इंद्र पूजा को बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा उन्होंने प्रारंभ करवाई। इंद्र देखा ये हर साल ये ब्रजवासी ये मेरी पूजा किया करते थे, लेकिन इस बार पूजा की तो कोई नाम गंध तक भी नहीं है। उन्होंने एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ ये ब्रज में क्या हो रहा है। दूत ने देखा इंद्र के लिए जितने मालपुआ रागड़ी रसमलाई और जितने बढ़िया बढ़िया सब मालपुआ बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए थे कृष्ण, ये सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं। उसमें थोड़ा साइड कर तो घर इसलिए वो पूजा करवा रहे हैं श्री गिरिराज गोवर्धन की। उसने जाकर के इंद्र को ये सारी बात बता दिए, बोले इंद्र ऐसे ऐसे बात है। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आ गया, उसने कृष्ण को तरह तरह से गाली देने लग गया, बोले बालीस हैं मूर्ख अतत्वज्ञ, तरह तरह का उनको गाली देना शुरू कर दिए। अभी जो सुधा सरस्वती थी भगवान में ये अज्ञ बालीस ये सब चीज कहाँ प्रयोग हो सकता है, इसलिए सुधा सरस्वती ने ये सारे शब्द को उन्होंने स्तुति पर के व्याख्या कर दी। इंद्र ने कहा ये जो गोकुल जो ब्रज है इसको मैं सत्यानाश कर दूंगा। उन्होंने संबर तक में 49 पवन को बुलाया, बोला ऐसे ब्रज में आंधी तूफान और ऐसे ओले गिराओ जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए, सबके सब सत्यानाश हो जाए। और ब्रज में ऐसे प्रलय आ गया, ऐसे प्रलय आ गया ब्रज में, सारी ब्रजवासी सबके सब कृष्ण को पास में गए। बोले देख कृष्ण तेरे बात सुन करके हमने ये पूजा को बंद करवाया, देखो ये क्या हो रहा है। उन्होंने कृष्ण बोले चिंता क्यों कर रहे हो, हम सबके सब गिरिराज की पूजा की ना, ये गिरिराज अपना चरण में हमें स्थान देगा। चलो सारे सामान को लेकर के श्री गिरिराज की तलहट में चलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा कोई छतरी को उठा दे ऐसे ही कृष्ण बाम हाथ नहीं सबसे छोटे अंगुल नहीं उन्होंने नाक को ऊपर में श्री गिरिराज को उन्होंने उठा लिए। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। अरे कोई जयकार नहीं लगा रहे। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब अपना सामान को लेकर के ये गिरिराज को नीचे आ जाओ और मैया जसोदा कन्या को बार बार मक्खन खिला रही थी मेरे लाला को भूख नहीं लग जाए, और कृष्ण हाथ को मालिश कर रही थी मेरे लाला को हाथ में कोई दर्द नहीं हो जाए। इतने में कृष्ण के जितने सखा लोग थे ना सबके सब लठिया लेकर गिरिराज में टिका दिया। बोले कन्या तू कब तक ये गिरिराज को उठाओगे, थोड़ा विश्राम ले ले। कृष्ण ने कहा देखो तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, तू क्या अकेला मैया का दूध पिया, हमने क्या मैया की दूध पीने हमने, इसलिए तू हाथ को नीचे कर दो। जब कृष्ण धीरे धीरे नाच हाथ को नीचे किया ना गिरिराज गोवर्धन धीरे 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 नीचे आने लग गया, जितने डंडे लगा कर रखे सबके सब टूटना शुरू की। इतने में सखा मैंने कहा कन्या हमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा, तू ये गिरिराज को उठा ले हैं। इतने में कृष्ण श्री गिरिराज को उठा लिया। इंद्र ने जी जान लगा दी, ओले बरस रही थी, वज्रपात और हाथी के सूंड जैसे मूसलाधार से बारिश हो रही थी, 7 दिन तक उसने जी जान लगा दी। इसको बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, देख करके आओ ये ब्रज में क्या हो रहा है। एक दूत आया और ऊपर ऊपर से देख करके चला गया। बोले महाराज इंद्र ब्रज में एक चिट्ठी तक भी जिंदा नहीं, सब खत्म। और एक को भेजा, भैया तू देख कर का। दूसरा जब आया देखा वहां पर एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, वहां पर तो धूल उड़ रहा था और वहां तो सारे ब्रजवासी बड़े सुंदर कीर्तन कर रहे थे,
बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय वापस आया इंद्र ने कहा ये ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासी का सत्यानाश ना तेरा सत्यानाश। बोले मतलब जिसको तू तो बालक समझ रखा था वो बालक नहीं, वो तो गिरिराज को कनिष्ठ अंगुल को ऊपर रखा है उठा करके। इंद्र देखा फिर ये कौन है, ध्यान लगाया तो देखा ये और कोई नहीं, ये मेरे प्रभु स्वयं है जिसने कृपा करके हमें ये इंद्र पद दिया। इंद्र ने देखा गया मेरे इंद्र पर, ये तो मेरे प्रभु है। फिर उसने विश्राम करने के लिए गया, उसको नींद नहीं आई। फिर अपना गुरु जी को पास में गया, गुरु जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर बोले चलो श्री ब्रह्मा जी को पास में। ब्रह्मा को पास में आए तो ब्रह्मा जी बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। ये जो कृष्ण है ना ये साधारण नहीं है, ये कृष्ण, ये कृष्ण कौन है? बोले सारे देवताओं को जो देवता है ये भगवान कृष्ण है। बोले देखो मैं भी कुछ दिन पहले बहुत बुरे तरह से मैं भी फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे? बोले कैसे? बोले एक समय कृष्ण अपना सखाओं को साथ में गैया चराने के लिए गए। जब गैया चराने के लिए गए इतने में अघास रो आ गया, इतना बड़ा मुंह फाड़ करके बैठा हुआ कृष्ण को खाने के लिए। इतने में जब कृष्ण सखा लोग पहचान नहीं पाए, सखा लोग सबके सब मुंह को अंदर में चले गए। कृष्ण ने देखा मेरे को दो काम करना पड़ेगा, पहला काम तो सखाओं को बचाना और दूसरा काम है इसको मारना। जब कृष्ण अंदर में प्रवेश किए अपना शरीर को उन्होंने इतना बड़ा बनाया, उसको मुंह में ही प्रभु भर गए और उसने मुंह बंद ही नहीं कर पाया। इतने में गला में अटक गए, उसका ब्रह्म तालु कट गया और एक ज्योति ऊपर से निकला। जब भगवान कृष्ण ये अघासुर को वध किए, सारे देवता लोग स्वर्ग से भगवान की जयकार लगाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री श्री राधे। हाँ हरे कृष्णा। आप लोग जो ऊपर बैठे हैं ना प्रभु जी, ज्यादा इधर उधर मत करना, ये माता है कोई फिर कथा नहीं सुनते, सब उधर देखते रहते हैं। एकदम चुपचाप केवल एक व्यक्ति के आप सबको बैठा दो, केवल आप यहाँ पर बैठो और इस सारे काम करो, सब नीचे बैठ उतर जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने में सारे देवता लोग जयकार लगाए। जब जयकार लगाए ये धीरे धीरे ये जयकार ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी सोचे ये देवता लोग आज इतने जय जयकार क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उतर करके आए, देखा कृष्ण का उम्र केवल 5 साल का बालक और इतने बड़े दैत्य को उन्होंने वध की और वो जो ज्योति आकर के कृष्ण का चरण में समा गया। फिर तो ब्रह्मा समझ गए ये बालक कोई साधारण नहीं। फिर जब कृष्ण सखाओं को साथ में पुलिन भोजन कर रहे थे, कृष्ण बीच में बैठे हुए और सारे सखा लोग घेर करके बैठे
और जो जो सखा घर से जो चीज लाएगा ना, कोई मालपुआ, कोई पकोड़ा, कोई रसमलाई, कोई दही वाला, पहले खुद खा रहे हैं। बोले कन्हैया मेरी मैया ने बड़े सुंदर मालपुआ भेजो है। बोले तू क्या अकेला खाओगे, मुझे नहीं दोगे? कृष्ण सबका झूठन खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसे भगवान है जिनको झूठन फूटन भी कुछ पता ही नहीं। इतने में ब्रह्मा जी थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण का बछड़ को चुराया। सखाओं ने कहा बोले भैया हमारे बछड़ा कहाँ चले गए? कृष्ण ने कहा तुम लोग बैठो मैं देखता हूँ। जब कृष्ण देखने के लिए गई इधर को सखाओं को उठा करके ले गया। इतने में इनकी जोग माया ने भगवान को स्फुरण करवाया। देखो इंद्र तुम्हारी लीला देखने के लिए ये सब लीला की। ब्रह्मा जी कृष्ण अपना शरीर से जैसे बछड़े जैसे सखाए जैसे ग्वाल वाल थे, कृष्ण स्वयं बन गए। और प्रभु एक साल तक प्रभु जी लीला की। जब ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मलोक में गए ये सब काम करके, और ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके पहुंच गए वहां पर। और पहुंच करके ब्रह्मा जी कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जब बन गए, उनका जो दरवान थे ना ब्रह्मा जी को तो वहां से मार मार कर भगाए। बोले तू कहां से आ गए, हमारा प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा भैया ब्रह्मा कौन बन गया, ध्यान लगाया तो उनका प्रभु ही ब्रह्मा बन करके बैठे हुए। फिर ब्रह्मा गए और आए, आते आते हो गया एक साल। उन्होंने देखा कृष्ण एक साल पहले जैसे लीला कर रहे थे अभी भी कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे हैं कृष्ण। फिर तो ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए, क्या कृष्ण मैंने जिनको सुलाया था कृष्ण वापस ले आए? फिर वहां जा करके देखते हैं नहीं वो जैसे को तैसे सोए हुए हैं। एक साथ में ब्रह्मा फिर दोनों तरफ में देखे, इधर दो सर इधर दो सर। कृष्ण दिखाया देखो ये बछड़े सखा कौन है? बोले ये बछड़े सखा और कोई नहीं मैं स्वयं बना हुआ हूँ। जहाँ देखे वहीं पर चतुर्भुज नारायण, चतुर्भुज नारायण और चतुर्भुज नारायण उन्होंने देखे। फिर तो ब्रह्मा समझ गए ये मेरे पिताजी की पिताजी की ये मेरे पिताजी है। फिर उन्होंने साष्टांग उन्होंने भगवान को प्रणाम किए। बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। बोले कृष्ण कौन है? बोले ये ईश्वर है। ईश्वर मतलब जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं, और जितने सारे कारणों का जो कारण है कौन है? कहते ये भगवान कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हाँ देखो अभी मन देख रहे सुनो प्रभु जी तुझे सामने जो माताएं आती ना सब गड़बड़ी करती है। बात ज्यादा नहीं करती, जो नई नई माता जी आती है ना ये कोई एक आ जाए सब उनको देखो वही रोक देते सामान उनको यही रोक लो। ये रास्ता को बंद कर दो सब ये रास्ता बंद कर दो। जो आते हैं ना वहाँ पर एक खड़े हो जाओ, उनको सारे सामान को वहीं पर रखवा दो। जो लोग आएंगे उनको जो जो कुछ लाएंगे वहाँ पर एक थाली रख लो, वो प्रणाम प्रणाम जो देना वहीं पर दे देना। हरे कृष्ण इधर किस बात, वहीं पर एक थाली रख देना, जो पैसा देगा वहीं पर रख लो वरना, और जो आटा भाटा दे रहे हैं वहीं पर रख लो। खड़े हो जाओ वहीं पर, सबको वहीं रखवा देना ठीक। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण। देखो ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कौन है? कहते ये हमारे आदि गुरु है ब्रह्मा जी, हमारे जो आदि पिता है ना ये ब्रह्मा जी है, इसलिए हम कहते पितामह। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? ये पितामह, ये हमारे असली पिता है। भगवान से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी से श्री हुए कौन? मनु महाराज हुए, फिर मनु महाराज से ये संसार सृष्टि हुई है।
इसलिए ये ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले ये जो भगवान कृष्ण है देखो इधर, इधर जो गोपाल बैठा घूम करके बैठे सबके सब, सारा दुनिया को देख रहे कथा में बैठे, इसलिए जो भगवान जो कृष्ण बैठे हैं गोपाल रूप में वो देखने में लगते हैं बड़े छोटे से, लेकिन ये बड़े खोटे हैं। यही जितने सारे कारणों का जो कारण है ये है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गो ब्रज उपसाम जनमित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। कहते कृष्ण कौन है, बोले ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये सनातन है। सनातन मतलब क्या, अनंत काल से यही थे, पहले भी यही थे, अभी भी वही है, और जब विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा केवल यही कृष्ण ही रहेगा और सारा दुनिया खत्म हो जाएगी, केवल ये कन्हैया रहेंगे। फिर जब उनकी इच्छा होगी सृष्टि करने की, फिर धीरे 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 दुनिया को फिर उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ करेंगे। इसलिए जो कृष्ण है देखो, इंद्र इंद्र कौन है, सारे देवताओं को जा देवता है ना, लेकिन कृष्ण ने किया क्या, इंद्र की पूजा बंद करवा दी और इंद्र आकर के कृष्ण के चरण में माफी मांगी, प्रभु मेरे अपराध को माफ कर दो। ब्रह्मा भी अभी देखोगे, ब्रह्मा कौन है, सबका पिताजी की जो पिता है ना, ये मूल से ब्रह्मा जी है, इन्होंने भी आकर के प्रभु के चरण में इन्होंने भी माफी मांगी, सारे 33 करोड़ देवता प्रभु कृष्ण के चरण में माफी मांगी। जब हम कृष्ण को भक्ति करते हैं ये सभी का भक्ति हो जाता है, नहीं तो देवता 33 करोड़ कितने को पूजोगे, एक को मनाओ दूसरा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, तीसरा को मनाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, बस सबको क्या मनाते रहोगे। लेकिन ये अगर कृष्ण को एक देवता को मना दिया ना, वो सारे को सारे देवता अपने आप मान जाते हैं, ये बच्चे तुमको वहां बैठा है ना, किसको आने मत, किस तेरे को बैठा है वहां पर, एक अच्छे व्यक्ति बैठे तो वहां पर एक अच्छे व्यक्ति, प्रभु जी आप वहीं पर बैठो, किसको आने मत दिया करना, जो देना वहीं पर दे करके जाए, वहीं पर थाली रख लो, वहां पर थाली रखनी, थाली के लेकर वहां रख लो। इसलिए भगवान जो कृष्ण है ये सारे कारणों का कारण है, ये भगवान कृष्ण है। जब हम भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं वो सभी का भक्ति अपने आप हो जाता है, इसलिए सबका सम्मान करो लेकिन हृदय में भगवान कृष्ण को ही बैठा करके रखो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। बोले तत्व अनुकंपा सुसुमित समान भुंजामि एवाम कृतम विपाकम। देखो अभी ध्यान देकर सुना इधर, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, अभी मन लगा कर सुना, एक दो बात सुन लो। यहाँ पर कहते हैं भगवान का एक नाम है अजीत, अजीत का मतलब होता है जिसको जीतना व जिनको पाना बहुत कठिन है। प्रश्न है फिर क्या हम उनको पा ही नहीं सकते, बोले हाँ अगर उनको पाना चाहते हो कैसे पा सकते हो, बोले ज्ञानम प्रयासम, जो ज्ञान का जो चेष्टा है वो संपूर्ण रूप में त्याग दो। बोले बगैर ज्ञान के तो भगवान नहीं मिल सकते हैं, हैं? यहाँ पर दो ज्ञान बताया, एक तत्व ज्ञान है और एक ब्रह्म ज्ञान है, कभी ये सारे ज्ञान को त्याग दो। और जो तीसरा है हमारा जो अभिमान है, अरे हम इतने बड़े ज्ञानी हम सब जानता, कभी ये सारे ज्ञान को त्याग दे करके संतों की चरण में रहते हुए उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है वो कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाते रहो, और काय मन और वाक्य ये तीनों को द्वारा कथा सुनो, काय मन और वाक्य। कहते भैया शरीर से थोड़ी कथा सुनते हैं, बोले शरीर में तो जाकर के बैठते हैं, इसका मतलब है कहीं अगर कथा हो रही ना जाकर के क्या करो, पहले वहां पर प्रणाम करो, क्या करो पहले स्थान को पहले प्रणाम करो, कथा में जितने लोग बैठे उनको प्रणाम करो, वो स्थान को प्रणाम करते हुए वहां पर बैठो। हाँ काय मन
कहते कथा कैसे सुननी चाहिए, कहते मन से कथा सुननी चाहिए। अगर मन अगर घर में बैठा हुआ, अगर शरीर यहाँ पर, फिर कथा सुनने पर भी तुम्हारे मन है, फिर तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए मन लगा कर कथा सुननी चाहिए, मन लगा कर। और कहते वाक्य मतलब जो कथा यहाँ सुनते हो फिर घर में जाकर के सुना, जो घर से नहीं आए उनको भी जाकर के बच्चों को पतियों को बोलना आज ये कथा में ये हो रही थी। कम से कम घर में तो कितना क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाना खानी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, दारू मत पिया करो, गुटखा मत खाया करो, ये बोल रहे थे गंदी चीज, जाकर के बोलते कि नहीं कि यही सुनकर कहीं खत्म करके चली जाती है। घर में जाकर के ये बात को बच्चों को समझाओ, गलत रास्ता पर मत जाओ, गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, उल्टा पुल्टा संगत में हैं मत घुमा करो। ऐसे नहीं कथा सुनकर यहीं पर गए, हाँ बस यहीं पर पल्लू झाड़ कर घर में चले गए, नहीं यहाँ से कथाओं को लेकर के जाओ। और ब्रह्मा जी कहते हैं देखो जीवन में जो चीज आता है ना, दुख भी आए और सुख भी आए, उसको हंसते हंसते भोग लो। और कभी किसी को पर दोष मत लगाओ, देखो अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसे किया, बोले नहीं, कहते कोई किसी को साथ में कुछ नहीं करता है, हमने जैसे कर्म की वो कर्म का फल भोग कर रहे हैं। जैसे नीम का अगर बीज बोएंगे, बताओ वहां कौन सा वृक्ष आएगा, बताओ नीम का। अगर हमने करेला का बीज बोए वहां कौन सा पेड़ आएगा, करेला का। अगर हमने वहां चीकू का बीज बोए कौन सा वृक्ष आएगा, अगर मैंने अंगूर का बीज बोए तो कौन सा वृक्ष आएगा, अंगूर आएगा। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है ये समझो, हमने पूर्व पूर्व जन्म में हमने जैसे जैसे कर्म की वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। इसी के लिए कोई दोषी नहीं है, इसके लिए कोई दोषी नहीं। देखो एक कथा सुनो, ध्यान देकर हरे कृष्ण, कोई बात मत करो, इसलिए ध्यान देकर कथा सुनो। ये कथा सुनोगे ना फिर कोई पाप कर्म नहीं करोगे। बोल एक समय दो व्यक्ति बिजनेस करने के लिए गए, ये सही घटना है, ये सही घटना। एक व्यक्ति था राजस्थान का और एक व्यक्ति था बंगाल का, खड़गपुरिया की जगह, दोनों ही पैसा वाले व्यक्ति थे। बोले चलो हमारे दोनों ही पैसा वाला व्यक्ति, अगर हम दोनों मिलकर के बिजनेस करेंगे ना, बिजनेस पैसा ऐसे जो चीज है वो बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी खराब कर देता है। उसने देखा इतने, अभी वो दोनों व्यक्ति आए पकौड़े खाने के लिए, उसने तो अच्छा पकड़ा, उसने खिलाया किसको, इसको, और दूसरे को क्या किया, उसने जहर मिला करके उसने उसको पकड़ को उसने खिला दिया। उसको पता चला इसको अभी जहर मैंने खिलाया, अब इसका रिएक्शन आएगा, उसको गाड़ी में बैठा करके अपना घर में ले गया। फिर तो उल्टी को ऊपर उल्टी, उल्टी को ऊपर उल्टी, दस्त को ऊपर में दस्त। फिर तो उसने छटपट करते 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 अपना प्राण तो उसने त्याग दे दिया। और उसने किया कि उसका शरीर को कहीं गायब उसने कर दी। अभी कुछ दिन बाद में उसको एक बेटा हुआ, बड़ा सुंदर बेटा हुआ, और दिने दो गुना रात चौगुना बढ़ने लगा, और उसने एक साथ में ज्यादा पैसा हो गया ना, बड़ा सुंदर मकान बनाया। गांव के लोग समझे ये गया था किसी बिजनेस में, सर बहुत लाभ हुआ है, बहुत पैसा उसको मिला है, इसलिए बड़ा सुंदर उसने मकान बनवाए। इसको बाद में उसका जो ये बेटा हुआ है, इसका जो ये बेटा हुआ है, अभी ये बेटा जो बड़े होकर के जिस दिन से इसकी शादी हुई ना, उसी दिन से ही वो बेटा बीमारी में पड़ा, पूरा सज्जा में लेट गए, और जितने दवा दे किसी तरह से वो दवा से सही नहीं होता है, किसी तरह से नहीं। और उसको दवा के ऊपर में दवा देते 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 जितने पैसा थे सारे पैसा खत्म हो खड़े से पहले गया, अभी तक तो बैठ नहीं पा रहा था, सारी बात को बताने लग गया। बोले देखो मैं अमुक व्यक्ति हूँ राजस्थान का, हम ये दोनों आए थे बिजनेस करने के लिए।